अमोर प्रखंड क्षेत्र के रंगरैया लाल टोली पंचायत के अंतर्गत लाल टोली के पास दास नदी में करोड़ की लागत से बन रहे आरसीसी पुल का शिलान्यास विधायक सह एएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम द्वारा फीता काटकर किया गया। शिलान्यास के दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरा काम करना ही नहीं, क्षेत्र के विकास करना ही मेरा मकसद है। मैं सिर्फ काम पर ही विश्वास रखता हूँ। आज क्षेत्र में बदहाली काफ़ी है। भौगोलिक दृष्टिकोण से अमोर विधानसभा क्षेत्र चार नदियों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ समस्या अंबार है। हर साल बाढ़ आने से हर वर्ष किसानों की फसलों की भारी क्षति होती है और नदी कटान से भारी नुकसान होता है। आज भी सैकड़ों परिवार नदी कटान के चपेट में आने से खुले आसमान में रहने के लिए विवश हैं। इस समस्या को भरसक दूर करने का कोशिश मैं करूँगा। उन्होंने कहा कि आज हमारी माँ बेटी प्रखंड मुख्यालय अपने काम करने का चक्कर लगाती रहती है और उनका काम समय पर नहीं हो पाता है। उनका काम सही ढंग से हो सके इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। जीवन में मुतालबात होते हैं, राहत के मौके से आवाम के चेहरे पे मुस्कान होती है, तो हम दरअसल आपके इस मुस्कुराहट को देखने के लिए आए हैं और हम अपनी बहनों और बेटियों का भी शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि हरचंद के हमको इलेक्शन जीतने के बाद इलाके का दौरा करने का बड़ा मौका मिला और आप लोगों का जबानी शुक्राना अदा करने का मौका मिला है। अमली तौर पर शुक्राना अदा करने का सिलसिला अब जारी हुआ है ताकि आपके पांव के कांटों को हम निकाल सकें। एक लंबा अरसा हुआ है इस इलाके के साथ एक बड़ी नाइंसाफी हुई, आपके हुकूक पामाल हुए हैं, आपने टैक्स दिया है, लेकिन आपकी जो तरक्की होनी चाहिए थी वो तरक्की नहीं हो सकी। उस तरक्की के लिए ही शायद आपके दिलों में मेरे से एतमाद बहाल हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी रातों दिन दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमारे बुजुर्गों ने और हमारे उलमा ने, हमारी माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने, मजदूरों का तरीका होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ दीवाने मस्ताने किस्म के लोग हैं, अभी भी जाकर ओल फुल वक्त है, हम उस ओलफुल की परवाह नहीं करते। उम्र के उस हिस्से में पहुँच कर आदमी अक्सर ओल फुल वक्ता ही है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इस इलाके में तामीर और तरक्की का जो थोड़ा बहुत अभी काम आप शुरू देख रहे हैं, अगर सरकार का फॉर्मूला गांव से आबादी वाले गांव से जोड़ने का सरकार का फॉर्मूला नहीं होता तो ये काम भी आप यहाँ नहीं हो पाता है ना। कोटे का माल मिल जाना कमाल नहीं है, कोटा का पुटली मेरा माल लेके आया तो ये बड़ा कमाल नहीं है, वो कमा के क्या लाया ये कमाल की बात। तो ये कोटे के मालों की तरह है ना, बहुत सारे काम करने। अभी मेरे जीतने के 2-3 महीने का वक्फा गुजरा है, आपने देखा होगा, अफरोज भाई लोग गवाह हैं, किबला हाजी जरूर साहब गवाह हैं कि हम लोग रातों दिन इस कोशिश में हैं कि हमारे समाज में तब्दीली आए। हमारे एमआईएम के जीतने से बहुत सारे फिरका परस्तों ने यह नारा दिया था कि बस हिंदू मुस्लिम अब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह न हिंदू मुस्लिम कभी नीयत में रही, न किसी पापी को यह सोचना चाहिए। हम लोग यहाँ पर जात मजहब से ऊपर उठकर अवाम की तरक्की की लड़ाई लड़ने के लिए आए। अगर पुल बनेगा तो हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा, अगड़ा भी चलेगा, पिछड़ा भी चलेगा। तरक्की के काम में इंसाफ के पैमाने में कभी जात मजहब और बिरादरी को नहीं देखा जाना चाहिए, है ना। लेकिन अल्लाह तबारक ताला अगर किसी को फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अगर अल्लाह की मर्जी ये थी तो हमने कोशिश की। अभी जानते हैं अभी नगरा टोली का मामला, अभी किसा की बैठक में थे हम लोग और वहां पर जोरदार तरीके से हमने कहा कि जब सरकार मुख्यमंत्री जी का ये कौल है कि सरकारी राशि पर राजकोष पर सबसे पहला अधिकार अगर है तो वो आपदा पीड़ितों का है, तो हमारा मुख्यमंत्री जब आपदा पीड़ितों को हिस्सा देना चाहता है वो कौन बदमाश ऑफिसर है जो हमारे लोगों को हिस्सा नहीं देना चाहता।